हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। उसमें फिजिक्स के लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाए, तो इसीलिए वीडियो बनाया गया है। और ये वीडियो रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, सब में वीडियो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर आपने फिजिक्स का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो कुछ कंपाउंड के नेम लिखे हुए हैं और उनका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट में होने वाला है। अगर हम लोग एलपी की बात करें या तो कोई भी एग्ज़ाम जो आजकल होते हैं वो काफ़ी शिफ्ट में होते हैं। अगर एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ, एलपी का एग्ज़ाम जो आने वाला है वो भी, ठीक है, लगभग 2-3 शिफ्ट तो हर एग्ज़ाम की हो ही जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी इसमें लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लिए जाएंगे, ठीक है, ये श्योर है। जैसे कि बेकिंग पाउडर का अक्सर पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है, ठीक है, CaCl2, ठीक है। इस तरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ मैं इसके नाम पढ़ करके आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड करके। और ये कुछ इसके आगे भी दिए हुए हैं, ठीक है, विनेगर का, पोटैश एलम, क्विक लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैग्नीशिया, लाफिंग गैस, सुगर, ठीक है, इनका अक्सर पूछा था। लाफिंग गैस का क्या होता है, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। क्विक लाइम का CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे वॉशिंग सोडा का अक्सर पूछ लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार होकर जाइएगा, PDF से रिविज़न करके जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेटल और उनके ओर से रिलेटेड, ठीक है, कि ये ओर मतलब अयस्क, ठीक है, एक इसका अयस्क क्या होगा, लोहा किसका अयस्क होता, लोहे के अयस्क क्या क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे आयरन का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है, मैग्नीशियम का मैग्नीशिया, डोलोमाइट अक्सर पूछा जाता है, डोलोमाइट किसका ओर होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। मरकरी का भी पूछा जा चुका है कि सिनेबार किसका ओर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। अर्जेंटाइट के बारे में भी आ जाता है, ठीक है, कि सिल्वर Ag होता है, तो इसका तो क्लियर है, आप लोग देख करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़े से हाईलाइटेड हैं रेड कलर से, उनको तो आप ज़रूर याद ही कर लीजिए और एक बार बाकी सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यूरेनियम का जैसे कि आप देख के बता सकते हैं, यूरेनिनाइट होता है। कॉपर का चैल्कोपायराइट और क्यूपराइट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्युमिनियम का बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फेल्ड स्पार या तो फेल स्पार, डी हटा कर भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, फेल्ड स्पार या फेल स्पार दोनों ही है। क्रायोलाइट, ओके, कोरंडम, ये चारों ही नाम एल्युमिनियम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। Which of the following alloy is used in making magnet? इनमें से कौन सा alloy है जो कि magnet बनाने में उसका यूज़ किया जाता है? ड्यूरालिमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको और मैग्नीशियम। तो एल्निको, ठीक है, एल्निको का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, देखिए, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके बनाया जाता है, एक मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है, इस एलॉय का यूज़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which acid is released when an ant bites? ठीक है, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOOH, ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, उसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, ओके। अगला देखते हैं, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिसीज? तो इसका राइट आंसर है कैडमियम, कैडमियम रिस्पॉन्सिबल है इटाई डिसीज के लिए, CD से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चलेंगे और एक क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर द वीकेस्ट इन नेचर? तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वीक होता है, ओके, अगर वंडरवॉल बॉन्ड भी होता तब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसमें वंडरवॉल बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच कितना होता है, ठीक है, 7 से कम अगर पीएच हो तो एसिड, 60 से 7 से ज़्यादा हो तो वो होता है बेस, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच होता है अराउंड 7.4, ठीक है, तो 7.4 हो गया मतलब स्लाइटली बेसिक हो गया, वो 7 से ज़्यादा हो गया स्लाइटली बेसिक, ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होता है 7.4 और कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिड होता है, ये नेचर नेचर उसका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो स्लाइटली बेसिक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का प्रोसेस क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर गेनिंग हो जाए यहाँ पर तो हो जाएगा रिडक्शन, और दोनों हो जाए अगर किसी प्रोसेस में तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर एक साथ किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उसको बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, ठीक है, एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए कौन सा ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट कंज्यूम होती है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, रिलीज ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अगर पूछा जाए तो एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। अगला देखते हैं इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड कॉमर्शियली, कॉमर्शियली किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, पटाखा बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पटाखे में यूज़ किया जाता है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। दूसरी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पटाखा बनाने में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन टफ लग रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ सकता एलपी के एग्जाम में, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आएगा लेकिन दूसरे तरीके से आएगा कि पटाखा बनाने में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। जो लोग हिंदी वाले हैं उनको अगर लग रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये सोच लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसी को घुमा के आएगा कि पटाखा बनाने का इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। अगला देखते हैं विच डिसीज इज कॉज्ड बाय निकिल, निकिल के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो है डर्मेटाइटिस, ठीक है, स्किन डिसीज़ है बेसिकली ये डर्मेटाइटिस, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, इसमें स्किन डिसीज़ है डर्मेटाइटिस, किसकी वजह से होती है, निकिल की वजह से, ओके। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला अभी आगे डिस्कस किया गया था दूसरी स्लाइड में, तो क्या होता है, वो होता है CaO, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वो चीज़ आप लोग जरूर से ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने उसमें दिए हुए हैं कंपाउंड के नेम, उनका केमिकल फार्मूला, उनका केमिकल नेम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है C4H6O6, ओके, टार्टरिक एसिड का केमिकल फार्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स एमिट विच गैस, कौन सी गैस एमिट करते हैं अग्निशामक यंत्र जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका राइट आंसर, ओके, CO2। चलिए नेक्स्ट सीमेंट इज मेड हार्ड विथ, सीमेंट हार्ड कैसे होता है धीरे धीरे, तो हाइड्रेशन की वजह से एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर डिसोसिएट होता है, ठीक है, H प्लस और OH माइनस में, और धीरे धीरे सीमेंट उसे हार्ड होता जाता है, तो हार्ड होने का यही रीज़न है हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, ड्राई सेल में जो एनोड होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड निगेटिव, तो जो पॉजिटिव होता है वो कौन क्या होता है ड्राई सेल में, होता है जिंक का बना हुआ, और जो निगेटिव होता है वो कार्बन का बना हुआ, ओके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन फाइबर भी बोला जाता है उसको, सिल्क फाइबर केमिकली इज प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया था, एडवर्ड टेलर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया, एडवर्ड टेलर ने, ओके। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन, 90% ऑफ कार्बन या तो उससे ज़्यादा किसमें होता है, वो होता है एंथ्रासाइट में, ठीक है, जितने लिखे हैं कोल के टाइप है एंथ्रासाइट बिटुमेन लिग्नाइट पीट, तो 90% से ज़्यादा किसमें होता है एंथ्रासाइट में,
ओके अगला देखते हैं, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से किसी फल को पकाने का जो काम होता है हरे फल को, वो कौन सी गैस करती है, वो करती है इथाइलीन, ओके C2H4 ये काम करती है इथाइलीन, आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट को पकाने का काम। अगला देखते हैं, क्लाउड इज ए कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ, ठीक है, क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ, किसका किसका कोलाइडल डिस्पर्शन होता है, वाटर ड्रॉप्स का इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर, ठीक है, वाटर ड्रॉप एयर में मिलके क्लाउड बनाते हैं, ओके नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर इसका नाम है लेकिन इसमें सिल्वर का कंटेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है, एजी नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक कॉपर एंड निकेल, ठीक है, जिंक होता है ZN, कॉपर CU, निकेल NI, जिंक कॉपर और निकेल होता है इसमें, इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर, एक अलॉय होता है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं भी इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, जो ट्रैवल कर सकता है वही कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, तो दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं, टीयर गैस, टीयर गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, ओके ये आगे अभी शायद हम लोगों ने बात भी करी थी इसके बारे में कि टीयर गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, ओके नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद लीकेज ऑफ, ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तो इसको तो आप लोग एकदम से भूलिएगा ही मत कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो किसकी, कौन सी गैस वहाँ पर लीक हुई थी, वह थी मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, एकदम रट लीजिए इसको कि मेथिल आइसोसाइनेट भोपाल गैस में ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट, ओके नेक्स्ट देखते हैं, वेन फॉर्मेल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड वी गेट, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है देख लेते हैं इसको भी, तो क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है, ऐसा क्वेश्चन वैसे मुश्किल है आना, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम कोई इतना फेमस क्वेश्चन नहीं है, ये मेथिल अल्कोहल बनता है फिलहाल, ओके अगला देखते हैं, पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू, पॉस्चराइजेशन जो पाश्चरीकृत होता है, पाश्चरीकरण, उसमें जो मिल्क दूध होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस पे और 30 मिनट के लिए, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स उसको हीट किया जाता है, ओके अगला देखते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट का क्या यूज़ होता है, ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है कि कौन सा उसमें मॉडरेटर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है ये भी आपको बताया जा चुका है, जो पिछले वीडियोस हैं आप लोग एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, फिलहाल ग्रेफाइट क्या होता है, मॉडरेटर होता है, ओके अगला देखते हैं, द टिप ऑफ द मैच स्टिक, मैच स्टिक मतलब माचिस की जो तीली होती है उसकी जो टिप पे जो लगा रहता है, ठीक है, भूरा कलर या तो लाल ब्राउन, ठीक है, हल्का ब्राउनिश कलर आता है उसका, तो वो क्या होता है, उसमें क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है रेड फॉस्फोरस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस वो कंटेन करता है, ओके अगला देखते हैं, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर इंडिया में है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसका राइट आंसर होगा पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में, ओके नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस किसका किसका मिक्सचर होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अक्सर पूछा जाता है, कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ओके व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर वाटर, ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो हमेशा किसके अंदर रखा जाता है, वाटर के अंदर, ओके अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसी तरह जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, आप लोग नीचे लिख के कमेंट में बताइएगा, ठीक है, उसमें भी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन कौन सी होती है ये आप लोग बताइएगा नीचे लिख करके, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट, ठीक है, रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, तो वह है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है तो इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है रॉकेट में, ठीक है, किया जा सकता है, आगे देखते हैं, सीमेंट इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ, सीमेंट किसका किसका मिक्सचर होती है जनरली, तो होती है कैल्शियम सिलिकेट
एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिवीजन पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मन करे तो फेसबुक पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाई द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर, जो अपर लेयर होती है एटमोसफियर की, उसमें वो जो है कौन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, कौन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ओके, और मैंने आप लोग को कभी पढ़ाया था र मी व यू एक्स जी, याद है आप लोग को कुछ, फ्रिक्वेंसी का बढ़ता हुआ और वेवलेंथ का घटता हुआ। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ बताया था आप लोग को, याद करिएगा पिछले वीडियोज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ठीक है, और वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो प्लीज़ एक बार जाके पुराने वीडियोस में देख लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द गैस विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ईजी क्वेश्चन है, कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर किसका किसका अलॉय होता है, तो होता है टिन और लेड का। ठीक है, टिन SN प्लस लेड PB। ठीक है, इसका अलॉय होता है सोल्डर, जो कि सोल्डरिंग में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस डिजॉल्व्स इन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें गोल्ड डिजॉल्व्स इन, जिसमें गोल्ड डिजॉल्व जाता है, गोल्ड या तो प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल जो होते हैं वो डिजॉल्व जाते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन में, जिसमें HNO3 होता है और HCl NL। ठीक है, HNO3 और HCl 1:3 का रेशियो होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल भी डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। मसल फटीग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, बायो का भी क्वेश्चन हो सकता है, बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री में भी इसको बोल सकते हैं, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कभी कभी हमारी मसल्स में पेन होने लगती है, तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से निकलता है और जाके जॉइंट्स पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ही मसल्स में हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यही है आपका बेसिकली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा एच क्या होता है, ये आगे लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला देखें, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो है पॉलीमर किसका होती है, आइसोप्रीन। ठीक है, अगला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, ताकि रस्टिंग ना हो उसको अवॉइड किया जा सके, एक जिंक की पैसिव लेयर बना दी जाती है जिसकी वजह से फर्दर रस्टिंग को अवॉइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड नियॉन, नियॉन एक नोबल गैस होती है, किसको डिस्कवर किया था इसने, तो इसका राइट आंसर है विलियम रामसे एंड मॉरिस W. ट्रैवर्स। ओके, चलिए इतने क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने आज इस वीडियो में डिस्कस किए, लगभग 50 क्वेश्चन थे, और जो स्टार्टिंग में 4 स्लाइड्स हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, तो उनको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और उनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स ALP के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो रिवाइज़ नहीं किया है ज़रूर रिवाइज़ कर दीजिए, और उसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो इसका PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।